पार्ट टू में स्वागत है मित्रों। वन इवनिंग देर वॉज अ गेधरिंग ऑफ क्लोज फेमिली फ्रेंड्स। एक सांजे तेमना परिवार नजीकना मित्रों एक सम्मेलन हतु। इन दी स्मॉल गेधरिंग आ नानकड़ा मेलवड़ा में मोहन्स ब्रधर सीस्टर एंड नेफ्यू मोहनना भाई बहन और भत्रीजा हूँ प्लेड म्यूजिक ऑन देर क्लासिकल इंस्ट्रूमेंट्स। जेमणे तेमना शास्त्रीय वाद्यों पर संगीत वगाड्यू। देर वॉज अ ग्रेट एप्रिशिएशन्स। त्या खूबज प्रशंसा थई। मोहन टू एक्सप्रेस्ड हिज विश टू परफॉर्म। ही प्लेड ऑन गीतार। मोहने पोतानी इच्छा व्यक्त करी गीतार वगाड़वानी। आफ्टर हिज परफॉर्मंस तेमना आ प्रदर्शन बाद अ रिलेटिव सेड एक संबंधीए कहूँ यू नीड टू वर्क वेरी हार्ड विथ द न्यू इंस्ट्रूमेंट। तारे आ नवा इंस्ट्रूमेंट पर वाद्य पर वधारे मेहनत करवानी जरूर छे। वन ऑफ द रिलेटिव सेड। संबंधियों माथी कोई एके कहूँ इफ इट वेर द सितार। जो त्या सितार होत यू वुड हैव बीन इन कॉम्पिटिशन। तू स्पर्धा में होत विथ योर ब्रधर एंड सीस्टर। तारा भाई और बहन ने यू ऑलरेडी स्पेन्ड टू इर्स ऑन इट। ते पहले थी बे वर्ष तेना उपर बगाड़ा है खर्चा है। बट स्टील परंतु हजू पण दीस इंस्ट्रूमेंट नीड मोर। आ इंस्ट्रूमेंट पर तारे वधारे समय की जरूर है। आफ्टर हिज परफॉर्मंस समवन सेड तेना परफॉर्मंस पची कोई एके कहूँ द सितार्स साउंड इज लाइक अ फ्लोइंग स्ट्रीम। सितार नो जे अवाज छे ते वहता झरणा जेवो छे। योर इंस्ट्रूमेंट डजंट हैव दैट डेप्थ। तारा आ वाद्य में ते ऊंडाण नथी। यट एनदर सेड। आम छता एक बीजाए कहूँ योर ब्रधर प्लेज द वायोलिन। तारा भाईए वायोलिन वगाड़ी। हिज शोर सूर एंड ताल तेनो अवाज ने जे तालबद्धता छे सो ब्यूटिफुल खूब सुंदर छे। व्हाट आर यू डूइंग विथ धीस इंस्ट्रूमेंट। तू आ वाद्य साथे शू करी रह्यो छे। मोहन वॉज डिप्रेस्ड। मोहन निराश थई गया एंड क्राइड फॉर द होल नाइट। आखी रात रड़ता रह्या। ही हैड ऑलरेडी गीवन टू इयर्स ऑफ हिज लाइफ। तेमने तेमना जीवनना बे वर्ष आपी दीधा हता टू दीस इंस्ट्रूमेंट। आ इंस्ट्रूमेंट ने बट फ्रॉम द हार्ट परंतु दिल थी आई मेड फॉर गीतार। आई एम मेड फॉर गीतार। हूँ गीतार माटे बनेलो हतो। देर इज नो इंस्ट्रूमेंट फॉर मी बट द गीतार। मारा माटे बीजू कोई वाद्य न हतुं पण गीतार हतुं। ही थॉट तेमणे आम विचार दीस इंस्ट्रूमेंट विल बिकम माई फेस टू द वर्ल्ड। आ वाद्य ज मारो वर्ल्ड सामेनो चेहरो बनशे। आई एम श्योर मने खातरी छे। आई एम गोइंग टू मेक बिग। हूँ कंईक मोटू करवा जई रह्यो हतो। वेरी बिग खूब ज मोटू। ही वॉज डिटरमाइंड ते आ माटे दृढ़ निश्चयी हता। दीस एक्सपीरियंस टू प्लेस। आ अनुभव त्यारे थयो वेन मोहन वॉज ओनली 16 इयर्स ओल्ड। ज्यारे मोहन मात्र 16 वर्षना हता। इट वॉज द टर्निंग पॉइंट ऑफ हिज लाइफ। तेमना जीवनों त्या एक टर्निंग पॉइंट हतो। मोहन डबल इज रियाज एटले प्रेक्टिस्। मोहने तेनी प्रेक्टिस् डबल करी दीधी एंड प्रेक्टिस् फॉर अबाउट 10 अवर्स अ डे। अने दिवसना लगभग 10 कलाकनी प्रेक्टिस् करवा लाग्या। ही ऑल्सो स्टडी अधर आस्पेक्ट्स ऑफ द गीतार। तेमने गीतारना अन्य स्वरूपोनो पण अभ्यास कर्यो। ही डिसाइडेड टू इनकॉर्पोरेट द स्पेशियालिटी टेक्निक एंड साउंड ऑफ एवरी इंस्ट्रूमेंट इन टू द गीतार। तेमने आ गीतारनी अंदर स्पेशियालिटी एटले विशेषता टेक्निक एटले रीत साउंड एटले अवाज आ બધામાં અન્ય વાદ્યોનું મિશ્રણ કરવાની નક્કી કર્યું. હી વોન્ટેડ ટુ ઇન્વેન્ટ સમથિંગ.
તે કંઈક શોધવા માગતા હતા. વિચ ગેવ ધ સાઉન્ડ એન્ડ ટ્યુન, જે આપે અવાજ અને ટ્યુન એટલે તાલ લય. ધ વેસ્ટર્ન ગીતાર, વેસ્ટર્ન ગીતારનું, બટ પણ કુડ બી પ્લેડ લાઈક એન ઇન્ડિયન વીણા, પરંતુ તે તેવી રીતે વગાડવું જોઈએ અથવા વગાડી શકાય જે રીતે ઇન્ડિયાનું જે વીણા છે તે. નોટ ઓનલી ધ સાઉન્ડ ધેટ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ પ્રોડ્યુસિસ ઇઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ, તે વાદ્ય માત્ર અવાજ જ ઉત્પન્ન નહોતું કરતું, બટ ઇટ મસ્ટ ઓલ્સો એક્સપ્રેસ માય વિઝન, તે મારા દૃષ્ટિકોણને પણ પ્રગટ કરતું હતું. એક્સપ્રેસ એટલે પ્રગટ કરું, વ્યક્ત કરું. વોટ આઈ વોન્ટ ટુ સે થ્રુ ધ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ, હું જે આ વાદ્ય દ્વારા કહેવા માગતો હતો. હી સેડ ટુ હિમસેલ્ફ, તેમણે તેમની જાતને કહ્યું. એન્ડ ફાઇનલી વિથ અનટાયરિંગ એફર્ટ્સ, છેવટે વણથંભ્યા પ્રયત્નોથી. એન્ડ અને અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ ઓફ રાગાસ, રાગોની તેની જે સમજ હતી તેનાથી. હી ક્રિએટેડ વન્ડરફુલ મોહન વીતા વીણા, તેમણે એક મોહન, અદ્ભુત મોહન વીણાનું સર્જન કર્યું. ટુડે આજે ધ વર્લ્ડ નોઝ મોહન, આજે આખું વિશ્વ ઓળખે છે મોહનને એઝ પંડિત વિશ્વ મોહન ભટ્ટ, પંડિત વિશ્વ મોહન ભટ્ટ તરીકે. વિનર ઓફ અ ગ્રેમી એવોર્ડ, જે ગ્રેમી એવોર્ડના વિજેતા હતા. આઈ જસ્ટ ફોલો માય હાર્ટ્સ પેશન, હું માત્ર મારી દિલની ઈચ્છાને અનુસર્યો. એન્ડ હિયર આઈ એમ, આજે હું અહીંયા પહોંચ્યો છું. સેન્ડ મોહન, સેન્ડ મોહન એટ ધ એવોર્ડ સેરેમની ઇન 1993, 1993ના ઇનામ વિતરણ સમારંભમાં મોહન આટલું બોલ્યા. ઓકે દોસ્તો, આ તમારું યુનિટ 3 છે. પાર્ટ 1 અને પાર્ટ 2માં આપણે એને કવર કર્યું છે. શાંતિથી સ્પેલિંગ પૂરા કરી અને પછી વિડીયોના બંને ભાગ જોજો. વિડીયો જોવાઈ જાય, સમજાઈ જાય પછી જ તમારે આજનું હોમવર્ક મોકલવાનું છે. ઓકે દોસ્તો, બાય.